Dear students, hope you all are doing well. I welcome you all once again in the Maths online class. In today's class, we will solve exercise 28, which is the last exercise of this unit. So, take out page number 81. Exercise 28. चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंडशन टू परसेंटेज इसमें हमारे पास कुछ सिम्पल फ्रैक्शन फ्रैक्शन है जिसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सो नाउ टेक आउट यूर कॉपीज ऑन कॉपी फर्स्ट यू राइट डेट टेन ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी फोकस एक्सरसाइज नंबर ट्वेंटी पेज नंबर एटी वन क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड डेसीमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्री बाय फिफ्टी सोल्यूशन जब भी हम परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज करते हैं तो हमारे पास डी में हंड्रेड होना मस्ट होता है तो पहले जो है हमने यहाँ पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं जो है डी में हंड्रेड लाना है तो यहाँ पर हम सोलूशन के बाद थ्री बाई फिफ्टी क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर थ्री बाई फिफ्टी को हमने रफ वर्क में सॉल्व किया है कि थ्री को अंदर लिखा है फिफ्टी को बाहर तो हमारे पास फिफ्टी के टेबल में तो थ्री नहीं आता अब हमने यहाँ पर जो है डेसिमल ऊपर लगा लिया और जीरो लगा दिए लेकिन फिर भी थर्टी जो है वो छोटा है फिफ्टी से तो हमने एक और ज़ीरो ऐड कर दिया यहाँ पर भी हमारे पास एक जीरो आ गया तो फिफ्टी सिक्स टाइम्स इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स यहाँ पर हमने जीरो पॉइंट जीरो सिक्स लिख लिया अब हमने इसको डेसिमल में कर लिए अब हमने इसको वापस जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो डेसिमल हटा देंगे उसके नीचे वन लिख लेंगे जितने डिजिट्स होंगे उतने जीरो हमने डिनोमिनेटर में लगा लिए तो अब हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन आया है सिक्स बाय हंड्रेड तो जब भी डिनोमिनेटर में हंड्रेड होता है तो न्यूमिनेटर वाला नंबर जो है वो हम लिखते हैं और उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग कर चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर टू जो है वो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, है, है सोलूशन और क्वेश्चन लिख लिया है फोर का हमने मल्टीप्लाई किया है वन के साथ फोर वन साफ फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन और डी नोमिनेटर वाला फोर हमने यहाँ पे डी नोमिनेटर में लिख लिया है अब हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन को जो है हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है ताकि फिर हम जो है डेसिमल हटा के हमारे पास डी नोमिनेटर में हंड्रेड आ जाए तो सेवन बाई फोर है हमारे पास हमने यहाँ पर इसकी डिवीजन की गई है जिससे हमारे पास आंसर आया है वन पॉइंट सेवन फाइव वन पॉइंट सेवन फाइव को हमने अवल फ्रैक्शन में चेंज करना है 1.75 को जो है डेसिमल को हटा देते हैं डिनोमिनेटर में वन लगा लेते हैं और दो zeros, जितने डिजिट्स ऊपर होंगे उतने हम जीरोस लगा लेंगे अब यहाँ पर हमारे पास आया है वन सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये हमारे पास क्या आया है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने अब हमारे पास जब डी में हंड्रेड होगा तो हम न्यूमिनेटर वाले नंबर लिखते हैं और उसके साथ परसेंट का साइन लगा लेते हैं इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में गिवन है तो हमने डेसिमल को जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिसमें हम डेसिमल को हटा देते हैं वन लगा लेते हैं डिनोमिनेटर में और जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे उतने जीरोस लगा लेते हैं तो हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन आ जाता है सिक्स बाय हंड्रेड अब हमारे पास हंड्रेड डिनोमिनेटर में आ गया है तो हमने सिक्स परसेंट यहाँ पर लिख लिया है फोर्थ क्वेश्चन है वन पॉइंट एट सोल्यूशन वन पॉइंट एट को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में जिसमें हम डेसिमल हटा देते हैं वन लिख लेते हैं पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो हमने वन जीरो लगा लिए अब हमारे पास एटीन बाय टेन आया एटीन बाय टेन है तो इसके लिए हमने जो है हमारे पास डी नोमिनेटर में हंड्रेड नहीं आए तो इसके लिए हंड्रेड बाय हंड्रेड के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है डी नोमिनेटर में भी हंड्रेड लिख लिया है और नोमिनेटर में भी जब इसकी वापस कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास वन की इक्वल हो जाएगा तो इस वजह से हमने ये यहाँ पे एड कर दिया है तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर टेन के साथ एक ज़ीरो है यहाँ पर एक जीरो है तो हमने इसकी कटिंग कर ली है यहाँ पर एटीन आ गया यहाँ पर टेन रह गया एटीन को टेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वन एटी आ जाते हैं और यहाँ पर हंड्रेड को वन के साथ तो हंड्रेड अब डिनोमिनेटर में हंड्रेड आ गया है तो हमने वन एटी परसेंट यहाँ पर लिख लिया है अब क्वेश्चन नंबर फाइव भी इसी तरह करना है हमने है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है अब यहाँ पर हमारे पास फोर बाई टेन आ गया मल्टीप्लाई किया है टेन के साथ हंड्रेड को किया, के साथ तो, 40, और को, के साथ तो 140, by को जो है लिख लिया है ये हमारे पास इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज थी प्रोसीड अनदर यूनिट इंशाल्लाह